ट्रेलर के एंड में भैरवा का ये शॉट कितना बढ़िया होगा और कितना कूल क्लाइमैक्स होगा, जहां एंड में भैरवा एक रोबोट के अंदर बैठ के आएगा और रेडर्स की वाट लगा देगा। नहीं, अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो मेरे भाई आप गलत हो, क्योंकि ये वाली फाइट सीक्वेंस मूवी की क्लाइमैक्स बिल्कुल भी नहीं होने वाली। एक्चुअली में ये पूरा सीक्वेंस संबाला में टेक प्लेस करेगा, जहां हमें अश्वत्थामा और भैरवा का राउंड 2 देखने को मिलेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, मूवी में पहली बार जब भैरवा अश्वत्थामा से हार जाएगा, उसके बाद उसका पीछा करते करते संबाला आएगा और इनकी फाइट वापस से एक बार संबाला में होगी, जहां एक्चुअली में इस बड़े से रोबोट के साथ भैरवा रेडर से लड़ने नहीं जा रहा बल्कि संबाला के लोगों पर ही अटैक कर रहा है, जो कि आप इस सीन में नीचे यहां नोटिस कर सकते हो। और अगर फिर भी आपको डाउट हो रहा हो तो लेट मी ट्रेलर में एक और सीन में हम देख सकते हैं जहां अश्वत्थामा एक बड़े से मेटल या फिर रोबोट से लड़ रहे हैं, और मुझे अब बताने की जरूरत नहीं है कि ये रोबोट या फिर ये हाथ किसके हैं। अब मैं वैसे रोबोट क्यों नाम ले रहा हूं, ये एक्चुअली में रोबोट नहीं अपना बुज्जी ही है। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों को ऑलरेडी पता होगा क्योंकि बहुत ज्यादा ऑब्वियस है, बट अगर नहीं पता तो मैं बता दूं कि एक्चुअली में ये बुज्जी पॉड ही है जो व्हीकल से ट्रांसफॉर्म होकर एक रोबोट में बन जाएगा, जो कि एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। और आई एम ग्लैड कि नागाश्री ने ये कॉन्सेप्ट यूज किया मूवी में, और मेरे हिसाब से मोस्ट प्रोबेबली जब अश्वत्थामा और भैरवा की पहली बार फाइट होगी तब अश्वत्थामा बुज्जी को बहुत बुरी तरीके से डैमेज कर देंगे, क्योंकि ट्रेलर में भी हमने एक शॉट में देखा था जहां अश्वत्थामा ने सिर्फ अपने पैर से बुज्जी को रोक दिया था। तो इसका मतलब है कि इस फाइट के अंदर बुज्जी की बहुत बुरी वाट लगेगी, जिसके बाद भैरवा बुज्जी को रिपेयर करेंगे और उसे मॉडिफाई करेंगे, जिसके बाद मोस्ट प्रोबेबली उसके पास वो ट्रांसफॉर्मेशन वाली एबिलिटी भी आ जाएगी। वरना तुम खुद ही सोचो, पिछले वाले ट्रेलर के अंदर भैरवा कुछ बनाते हुए दिखे थे, अब आप खुद ही सोचो कि वो एक्चुअली में हो क्या सकता है, क्योंकि बुज्जी तो ऑलरेडी 2896 में बनाई जा चुकी है, जैसा कि हमें बुज्जी एंड भैरवा के अंदर बताया गया था। तो मोस्ट प्रोबेबली मूवी के अंदर यानी कि 2898 AD में 2 साल बाद वो बुज्जी को अपग्रेड कर रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली उसे एक ट्रांसफॉर्मर बना देंगे, जो कि एक बहुत बड़ी आइडिया है। ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग डिटेल कल की के रिलीज ट्रेलर से रिलेटेड आज हम इस ब्रेकडाउन वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले मेरा नाम है अभी और आप देख रहे हो सिनेमा विद अभी। बस बहुत हो गया, इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूं, आजा। ट्रेलर के शुरू से शुरू करते हैं, जहां हम अश्वत्थामा को एक टेंपल के अंदर देख सकते हैं। अब अश्वत्थामा का ध्यान तब टूटता है जब यहाँ से पानी टपकना बंद होता है, और जैसे ही वो शिवलिंग के आसपास का एरिया सूख जाता है तब उन्हें रियलाइज होता है कि पृथ्वी पर से पानी सूख चुका है, यानी कि हमारे पुराणों के हिसाब से गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों वापस स्वर्ग में जा चुकी है, और इसी वजह से उन्हें रियलाइज होगा कि उनकी फाइनल बैटल का समय आ चुका है, जो कि इस डायलॉग से भी क्लियर है। अब समय उन्हें खोजने का। साथ ही जैसे ही उन्हें ये बात रियलाइज होती है तो सबसे पहले अपनी मणि निकालते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली ये मणि उनके पास महाभारत के समय से ही थी, बट श्री कृष्ण के श्राप के बाद इस मणि की सारी शक्तियां चली जाती हैं, और अब सिंस उन्हें एक सिग्नल मिल चुका है, उन्हें एक रियलाइजेशन हो चुका है कि कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है, इसलिए उन्हें पता चल चुका है कि उनकी मणि की शक्तियां भी वापस आ चुकी हैं, और इसी वजह से वो मणि को निकाल के वापस लगा रहे हैं। और जैसा कि मैंने अपने पिछले हिडन डिटेल्स वाली वीडियो में बता दिया था कि अश्वत्थामा ही दीपिका को संबाला लेके जाएंगे, वो यहां पे सच होता हुआ दिख रहा है। हालांकि मैंने उस पिछले वीडियो में मूवी से एक ठीक ठाक ऑलरेडी स्पॉइल कर दिया है, तो अगर तुम स्पॉइल होना चाहते हो तो इधर पे तुमको लिंक मिल जाएगा, वो वीडियो जाके देख सकते हो। साथ ही दीपिका के संबाला में कदम रखने के बाद यहाँ बारिश शुरू हो जाती है, जो कि होप को दर्शाता है, और एक डिस्टोपियन वर्ल्ड में बारिश होना बहुत बड़ी बात होती है, एक तरह से सिग्नल है कि भाई रोशनी का जन्म होने वाला है, कल्कि अवतार का जन्म होने वाला है। और यहाँ पे हम एक डायलॉग भी सुन सकते हैं कल्कि। अब इसके ठीक आगे इसी डायलॉग से रिलेटेड एक और डायलॉग बताया जाता है, जो कि मूवी के प्लॉट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो डायलॉग कल्कि कुछ तो, एक सेकंड रुकना जरा, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है, मैं यूट्यूब पे ट्रेलर देख लेता हूँ, एक सेकंड भाई, ऐड आ गया है। आज को मार डालेंगे तो कल होगा ही। इसके ठीक बाद इसी डायलॉग से रिलेटेड एक और डायलॉग ट्रेलर के अंदर दिखाया जाता है कि भाई हम आज को ही मार देंगे तो कल कहाँ से आएगा, और मोस्ट प्रोबेबली मूवी का भी यही प्लॉट है कि भाई याश्किन कल्कि को पैदा ही नहीं होने देना चाहता। अब इसके बारे में वीडियो में हम आगे बात कर लेंगे, क्योंकि ट्रेलर में एक पर्टिकुलर शॉट ही है जो कि काफी कुछ रिवील कर देता है इस प्रोजेक्ट के बारे में। इसके बाद इस ट्रेलर की वन ऑफ द हाइलाइट्स भैरव और अश्वत्थामा के बीच के फाइट सीक्वेंसेस के कुछ ग्लिम्प्स दिखाए जाते हैं। अब ये सीन्स तो दिखने में कूल है ही, बट जिस चीज के बारे में मैं शुरू से कर रहा हूँ, जहाँ कल्कि ग्लिम्प्स जिस दिन रिलीज हुआ था उस दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि भाई मैं भैरवा के जेट बूस्ट को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, एंड दिस इज व्हाट आई वांटेड टू सी। क्योंकि जब आपको स्क्रीन में एक ह्यूमन के अगेंस्ट एक सुपर ह्यूमन या एक डेमी गॉड को दिखाना है तो वो दोनों फाइट कैसे करेंगे, एंड दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल आंसर यू कैन गिव। भाई जो हमारा हीरो है वो गैजेट्स और टेक का यूज करेगा सुपर ह्यूमन के अगेंस्ट, तभी तो वो एक कांटे की टक्कर होगी, नहीं तो भाई ऐसा मारा और खेल खत्म, ऐसा थोड़ी चाहिए अपने को।
और उसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल हमें इस सीन के अंदर देखने को मिल रहा है जहां अपने टेक का यूज करके भैरवा अश्वत्थामा के साथ नेक टू नेक फाइट कर रहा है। एंड ऑल्सो वन थिंग कि कल्कि के दो ट्रेलर अब तक आए हैं, दोनों ही ट्रेलर में जो मेजर हाईलाइट थी वो भैरवा वर्सेस अश्वत्थामा को रखी गई है। तो ये एक अच्छा डिसीजन है जहां उन्होंने मूवी के एक पर्टिकुलर एक्शन सीक्वेंस को बहुत ज्यादा शोकेस किया है बाकी सारे एस्पेक्ट्स को अंडर रैप रखने के लिए, एक बहुत बड़े डिसीजन मेरी तरफ से। और उसमें भी इस एक्शन सीक्वेंस से रिलेटेड उन्होंने ज्यादा कुछ रिवील नहीं किया है, बस कूल कूल शॉट्स दो तीन दिखा दिए हैं और उसमें पब्लिक बिक चुकी है भाई इस मूवी के लिए। और इन्हीं सब के बीच हमें मूवी से महाभारत के फ्लैशबैक सीन के दो तीन शॉट्स देखने को मिलते हैं और इसी शॉट में हम अमिताभ बच्चन के डी एज लुक का एक और शॉट देख सकते हैं जहां इससे पहले हमने अश्वत्थामा के इंट्रो वाले वीडियो में इसका एक और शॉट देखा था और ये वाला शॉट उसे काफी ज्यादा अलग है और काफी बेहतर भी लग रहा है, मतलब काफी अच्छे तरीके से नेल डाउन किया उन लोगों ने। और अश्वत्थामा के इस डी एज लुक के बाद हमें कमल हसन का भी एक प्रॉपर लुक देखने को मिलता है जहां उनका लुक रिवील करने से पहले उनका एक बैक शॉट दिखाया जाता है जहां अगर आप इसको ध्यान से देखो तो साफ पता चलता है कि यास्किन का जो कैरेक्टर है वो लाइफ सपोर्ट पे जिंदा है और उसकी एज बहुत ज्यादा हो रखी है। साथ ही इसी सीन में अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे तीन अलग अलग चैम्बर्स भी हैं जिनमें बीच वाले चैम्बर के सामने मास्टर यास्किन का कैरेक्टर है और बगल में दो और चैम्बर बनाए गए हैं। अभी जो दो सेपरेट चैम्बर्स है इनके अंदर मोस्ट प्रोबेबली दो अलग अलग फिजिकल बॉडीज बनाई जा रही है या फिर शायद दो से ज्यादा बनाई जा रही है यास्किन के लिए ताकि यास्किन की कॉन्शियसनेस इसकी बॉडी से ट्रांसफर करके नई बॉडी में डाली जा सके। और यहाँ पे जो डायलॉग्स कमल हसन दे रहे हैं उससे साफ क्लियर कि कमल हसन को इस प्रोजेक्ट में कुछ खास सक्सेस मिली नहीं है अब तक। साथ ही इस सीन में यास्किन से मिलने तीन कैरेक्टर्स आते हैं जिनको इससे पहले भी हमने ट्रेलर और ग्लिम्स में देख रखा है, जहां सबसे पहले ये साइड में चश्मे वाला बंदा वही है जो कि ग्लिम्स में व्हाट इज प्रोजेक्ट के पूछ रहा था। ये बीच वाला बंदा हमें पिछले ट्रेलर के इस शॉट में देखने को मिला था और वही ये साइड वाला बंदा यास्किन का कमांडर है जो कि सुप्रीम यास्किन के बारे में पिछले ट्रेलर में बता रहा था। अब इसके ठीक आगे यास्किन का लुक रिवील किया जाता है और भाई साहब जिस पल मैंने ये लुक देखा आई वॉज टेरिफाइड, दिस इज फ्रीकिंग कूल मैन, मतलब बहुत खतरनाक लग रहा है ये लुक एकदम ड्रेडफुल। और साथ ही पिछले ट्रेलर में हमने नोटिस किया था कि यास्किन के फॉरहेड में एक रेड लाइट है जिसे बहुत सारे लोग कंक्लूड कर रहे थे कि शायद कोई मनी होगा, बट एक्चुअली में ये कोई मनी नहीं है बल्कि क्रैक है। अगर आप ध्यान से देखोगे इस क्रैक को कवर अप करने के लिए स्टिचेस भी लगाई गई है उसके फॉरहेड के अंदर जो कि आप इस पर्टिकुलर सीन में देख सकते हो। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत पहले यास्किन की किसी से लड़ाई हुई हो और भाई उसने सर फोड़ दिया हो यास्किन का, जिसकी वजह से ये लाइट यानी कि उसकी ब्रेन का कुछ तो लीक हो रहा है यहाँ पे और उसको ठीक करने के लिए स्टिचेस मारी गई बट वो उतने अच्छे तरीके से हील नहीं हो पाए जिसकी वजह से वो लाइफ सपोर्ट में जिंदा है और अब उसे एक नई बॉडी की तलाश है ताकि वो अपनी कॉन्शियसनेस ट्रांसफर करे और वापस से 2898 AD पे राज कर सके। ओ शिट, मैंने प्लॉट तो नहीं रिवील कर दिया ना। अब साथ ही इसी शॉट के अंदर हम यास्किन के पीछे कुछ बॉल्स को देख सकते हैं, साथ ही ये बॉल्स यास्किन के हेड के साथ मूव करती हैं। जैसा इस शॉट में यास्किन का हेड मूव कर रहा है वैसे ये बॉल भी मूव करती है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये बॉल विजुअल्स देने का काम करती होंगी जहां यास्किन तो अपनी जगह से हिल नहीं सकता क्योंकि वो लाइफ सपोर्ट में है, तो वो इन्हीं बॉल्स या फिर कह सकते हो ड्रोन्स की मदद से ही पूरे अपने साम्राज्य पर अपने कॉम्प्लेक्स पर नजर रखता है। कमल हसन का लुक रिवील करने के ठीक बाद हमें एक और करेक्टर से मिला जाता है जिसके सिर्फ पैर का शॉट दिखाया गया है और इसके पैर में बहुत सारे घाव लगे हुए हैं अगर आप ध्यान से देखो तो। साथ ही इसने पैर में एक कड़ा भी पहन रखा है जो कि थोड़ा बहुत ऑरोबोरस जैसा मिलता है, पर ये ऑरोबोरस है नहीं क्योंकि ऑरोबोरस का मतलब होता है कि अ स्नेक बाइटिंग हिज ओन टेल, बट एक्चुअली में इस सांप के दो मुंह हैं जो कि एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये ऑरोबोरस नहीं है। अभी जो कुछ भी हो हिंदू स्क्रिप्चर्स में अगर ऐसा कुछ है मैं ढूंढने की कोशिश जरूर करूंगा और अपने अगली वीडियो में जरूर से बताऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है, इंपॉर्टेंट है इसका बैकग्राउंड। इसके बैकग्राउंड से साफ क्लियर है कि ये महाभारत की फ्लैशबैक सीक्वेंस का शॉट होगा जहां पे महाभारत का कोई कैरेक्टर हमें अभी स्क्रीन पे दिख रहा है। और साथ ही इस सीन के कलर ग्रेडिंग पे भी आप ध्यान दो तो ये बिल्कुल सिमिलर है ट्रेलर के अंदर दिखाए गए बाकी के महाभारत के शॉट से, जहां देखे तो यही लग रहा है कि महाभारत के जितने भी फ्लैशबैक सीन होंगे उनमें एक ड्रीमी सा इफेक्ट और कलर ग्रेडिंग करने की कोशिश की गई है जो कि इस शॉट में भी क्लियर है। अब ट्रेलर में आगे जाके हम एक प्रेग्नेंट लेडी को देख सकते हैं जिसके ऊपर एक अटैक हुआ है। अब एक्चुअली में ये कैरेक्टर उत्तरा का है जिसके ऊपर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र से अटैक कर दिया था, हालांकि जिसको श्री कृष्ण बाद में रिवर्ट तो करते हैं बट वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और इसी अनबॉर्न चाइल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए ही श्री कृष्ण ने गुस्सा होकर अश्वत्थामा को इमोर्टैलिटी का श्राप दिया था। अब ट्रेलर में हम आगे जाके कॉम्प्लेक्स के लैब के कुछ शॉट्स देखते हैं जहाँ पे विमेन के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ मोस्ट प्रोबेबली इन सभी लड़कियों को इनफर्टाइल किया जा रहा है और अगर सब लोग इनफर्टाइल हो जाएंगे तो कल के अवतार का जन्म कहाँ से होगा, और मोस्ट प्रोबेबली यही बैकअप प्लान है यास्किन का कि हम आज ही खत्म कर देंगे तो कल क्या आएगा। और इस शॉट में दिखने वाली ये मशीन जिसके अंदर इस लेडी को डाला जा रहा है मोस्ट प्रोबेबली ये लेडीज लोग को इनफर्टाइल करने का ही काम कर रही है। साथ ही ट्रेलर के लेटर हाफ में एक सॉन्ग के साथ बहुत सारे सीन्स प्ले कर जाते हैं जो कि एक बहुत अच्छा मूव है क्योंकि इस मॉन्टाज की वजह से उन्हें एक्स्ट्रा डायलॉग्स डालने की जरूरत नहीं पड़ी जो कि मूवी को स्पॉइल होने से बचाएगा। और जो सीन्स इस मॉन्टाज के अंदर दिखाए गए हैं वो भी ज्यादा आइडिया नहीं दे पाते
सॉन्ग की वजह से। और इस मॉन्टाज में जो विजुअल दिखाए गए हैं वो टॉप नॉच क्वालिटी के हैं, हॉलीवुड लेवल का वीएफएक्स है यहाँ पे। इट्स अनडेनायबल ये मूवी इंडियन सिनेमा को लेवल अप करने वाली है। और साथ ही इस म्यूजिक को वोकल्स दिए हैं अमिताभ बच्चन ने हिंदी वर्जन के लिए। अब ट्रेलर में आगे जाके हम कुछ लोगों को काशी और कॉम्प्लेक्स के बीच की फेंसिंग के पास खड़ा देख सकते हैं, जहाँ मोस्ट प्रोबेबली इन लोगों को यहाँ पे अबैंडन किया जा रहा है कॉम्प्लेक्स के लोगों के द्वारा। और यहाँ पे अपने मोहित भाई की थ्योरी सच हो सकती है कि मोस्ट प्रोबेबली जो कॉम्प्लेक्स है ये एक स्पेसशिप हुआ करता था, और इस पर्टिकुलर सीन के अंदर ये स्पेसशिप अर्थ को छोड़ के जा रहा है यहाँ के काशी के लोगों को अबैंडन करके, जिसकी वजह से ये सभी लोग यहाँ पे इतने लाचार हुए लग रहे हैं। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे भैरवा संभाला के लोगों के अगेंस्ट लड़ रहा है, बट यहाँ पे एक कंफ्यूजन है क्योंकि भैरवा और अश्वत्थामा की फाइट जो शंबाला में हो रही है वो भी रात में हो रही है, और शंबाला के लोगों और रेडर्स के बीच में जो फाइट हो रही है वो भी रात में हो रही है। तो क्या इसका मतलब है ये रेडर्स और भैरवा एक साथ मिलकर शंबाला पे अटैक कर रहे हैं? अब इसका आंसर मुझे अभी नहीं पता क्योंकि नागाश्विन ने क्या कुक किया है वो नागाश्विन नहीं जाने, बट अगर ऐसा सच में है भैरवा सच में मूवी के अंदर विलेन का रोल प्ले करने वाला है तो आई डोंट नो व्हाट टू से, क्योंकि मैं कहना भी नहीं चाहता, मैं थ्योरी भी नहीं बनाना चाहता इस पॉइंट पे, मैंने ऑलरेडी काफी सारी बना ली और अपने लिए बहुत सारी चीजें स्पॉइल कर ली है। आई विल जस्ट गो ब्लैंक हेडेड अबाउट दैट और मैं बस थिएटर्स में मूवी एंजॉय करूंगा। खैर आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव या कुछ नया जानने को मिला हो तो वीडियो लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और अगर ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हो। बाकी मेरा नाम है अभी एंड यू आर वॉचिंग सिनेमा विद अभी।